गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल बिश्नोई। आज आपका लेक्चर का फर्स्ट डे है, आपके कोर्स GPB 1-1 फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का अपने पहला लेक्चर आज लेंगे। इसमें अपने क्या पढ़ेंगे, प्री और पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि मेंडल से पहले और मेंडल के बाद में जो हेरिडिटी की कंसेप्ट, यानी जो वंशानुगति होती है एक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना, उसकी क्या कंसेप्ट थी, उसकी क्या उदाहरण थी, उन चीज़ों को अपने आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के वर्ड जेन से हुई है, जिसका क्या मतलब होता है, टू बिकम और टू ग्रो इनटू, किसी के अंदर बदलाव होना। अनुवांश की इसको हिंदी में बोलते हैं अपने, जिसके अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन, अनुवांशिकता और विभिन्नता, इन दो चीज़ों का अपने इसमें अध्ययन करते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, या बायोलॉजी बोल सकते हो आप इसको, जिसके अंदर अपने हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकता के अंतर्गत वे लक्षण सम्मिलित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, यानी कि जो करेक्टर्स जो फॉलो करते हैं, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, उससे नेक्स्ट जनरेशन, तो वो क्या कहलाते हैं, हेरिडिटी कहलाती है, अनुवांशिकता उसको कहते हैं। तो ये और इस प्रकार ये प्रत्येक प्राणी विशेष में निश्चित होते हैं और ये फिक्स होते हैं हर इंडिविजुअल में। अब अपने देखते हैं वंश क्रम से संबंध, जीव समूह में मिलने वाली विशेषताओं को जिनके द्वारा हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अपने उसको अलग कर सकते हैं, तो क्या कहलाती है, विविधता कहलाती है, यानी उसको अपने आसानी से उसको दूसरों से विविध पहचान सकते हैं आसानी से, तो उसको क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। वेरिएशन जनरली कितने प्रकार का होता है, अनुवांशिक और वातावरणीय, यानी कि इन्वायरमेंटल और हेरिडिटरी, दो प्रकार का वेरिएशन होता है। जो अनुवांशिक वेरिएशन होता है वो हेरिटेबल होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो स्थानांतरित होता है, जबकि जो इन्वायरमेंटल वेरिएशन होता है ना, वो उसी जनरेशन में रह जाता है, वो बाहर के इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है और उसी के कारण वहीं उसके साथ ही खत्म हो जाता है, मतलब ये हेरिटेबल नहीं होता है। अपने जेनेटिक्स की रोल ऑफ से देखें तो ये अपने लाभदायक है, वेरिएशन नहीं होता है, जो अनुवांशिक वेरिएशन होता है वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचता है। अनुवांशिक विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतान में स्थानांतरित होती रहती है, जबकि वातावरणीय विभिन्नताएं होती है वो अस्थायी होती है, मतलब जो अस्थायी होती है वो उसी के साथ ही वहाँ उसी इन्वायरमेंट में ही खत्म हो जाती है। अब अपने देखते हैं मेंडल के नियमों को तीन वैज्ञानिकों, डच वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रिज, जर्मन जो बॉटनिस्ट थे कार्ल कोरेंस, और ऑस्ट्रेलियाई जो बॉटनिस्ट थे उनका क्या नाम था, एरिक वॉन सेरमोक, इन्होंने क्या किया, मेंडल के जो नियम थे उसको रीडिस्कवर किया था 1900 के अंदर। जो मेंडल ने जिसने मेंडल ने प्लांट पी के मटर के प्लांट में जो अपने हेरिडिटी को खोजा था, अनुवांशिकता को खोजा था, वे कैसे करेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, तो उसमें कुछ कारणवश थे जो अपने नेक्स्ट चैप्टर मेंडल का लगेगा उसमें डिस्कस करेंगे, क्यों उनकी पहचान उसमें नहीं हो पाई, उसमें अलग अलग धारणाएँ थी, उसमें डार्विन का सिद्धांत ज़्यादा पॉपुलर था, उसमें उसी को मानते थे, तो मेंडल की, तो उसमें मेंडल एक मैथमेटिशियन थे, तो गणित उस समय इतना पॉपुलर नहीं था, तो लोगों को ये जो न्यूमेरिकल उन्होंने डाटा प्रेजेंट किए थे तो वो भी नहीं समझ आए थे, इस कुछ कारण थे जिनकी वजह से वो उनके जो नियम खोजे गए थे वो प्रचलित नहीं हो पाए। लेकिन जब उन्होंने तीन वैज्ञानिकों ने उनके द्वारा खोज की और उनको लोगों के सामने लेकर आए, तब जाकर अनुवांश की है वो प्रचलित हुई, जिससे कारण अनुवांश की विज्ञान का प्रारंभ 1900 से ही माना जाता है, मतलब 1900 के अंदर ही इसको अपने ओरिजिन मान सकते हैं जेनेटिक्स का। परंतु अनुवांश की के लिए जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था, डब्ल्यू बेटसन ने किया था, यह आप ध्यान रखना, डब्ल्यू बेटसन ने इस वर्ड को जेनेटिक्स वर्ड को दिया था 1905 के अंदर दिया था। अनुवांश की जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी एवं वेरिएशन विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है, जिसके अंदर अपन हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। जीन क्या है, जेनेटिक्स क्या है, जीन से ही अपने जेनेटिक्स को समझ सकते हैं। जीन किसी भी वंशागति की फंडामेंटल और फंक्शनल, क्रियात्मक का मतलब है फंक्शनल और फंडामेंटल, मूलभूत, मतलब मूलभूत क्या है, एक इकाई है किसी, जैसे कार्य की अपने कार्य की इकाई जूल में बोल सकते हैं, उसी प्रकार किसी कार्य की कोई किसी की चीज़ की इकाई होती है, उसी प्रकार क्या है वंशागति की इकाई क्या है, जीन है, जो कि किसी लक्षण विशेष के विकास को नियंत्रित करती है। जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक करेक्टर्स। ग्रेगर जॉन मेंडल है उनको फादर माना जाता है जेनेटिक्स का, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, अपने ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने मटर पर अपने प्रयोगों के आधार पर अनुवांशिकी के जो नियम दिए थे, अपने दो नियम थे वो नेक्स्ट चैप्टर में अपने इसमें डिस्कस करेंगे। अब अपने देखते हैं प्री मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी,
ये तो था थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री थी जेनेटिक्स की, क्या है जेनेटिक्स के क्या रोल है इसमें। अब अपने देखते हैं प्री मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी, जिसमें है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। अलग अलग थ्योरियाँ हैं, आप ढंग से देख लेना, लेक्चर थोड़ा इंग्लिश में है लेकिन आपको हिंदी में कम्प्लीटली समझा दिया जाएगा। प्री फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब है बनना, प्री मतलब पहले। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस देखते हैं, दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाई टू डच बायोलॉजिस्ट, जीव वैज्ञानिक थे सोमरडम और बोनेट, 1790-1793 के बीच में सोमरडम और बोनेट ने ये थ्योरी प्रपोज की थी, यानी कि उसको इसने को थ्योरी को दी थी। इस थ्योरी का मतलब क्या है भी, जैसे अपने जो अपने गैमेट्स बनते हैं, जैसे इंसान मेल के अंदर और फीमेल, फीमेल में एग बनता है और मेल में स्पर्म बनता है, इनको अपने गैमेट बोलते हैं। तो इसका कहने का मतलब था भी, जो अपने गैमेट होते हैं उसमें मिनिएचर ह्यूमन, जो अपना अपने जब ह्यूमन है अपने बिल्कुल छोटा रूप, मिनिएचर ह्यूमन आप इसको छोटा सा ह्यूमन बोल सकते हो, ऐसे इसके हाथ पैर पूरे हों, यानी कि मिनिएचर ह्यूमन उसके अंदर पहले से ही उपस्थित होता है, अपने जो स्पर्म है या एग है उसके अंदर। जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है युग्मक, तो उसके बाद में ये धीरे धीरे उसका विकास होता है। इसको इसको क्या बोलते हैं, होम्योन्यूक्लस, इस वर्ड को आप ध्यान रखना, होम्योन्यूक्लस बोलते हैं जो मिनिएचर ह्यूमन यानी कि छोटी सी ह्यूमन लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एग एंड मतलब पहले से ही उसमें उपस्थित होती है। अब देखते हैं मिनिएचर ह्यूमन वाज परफॉर्म्ड इन द गैमेट्स, मतलब गैमेट के अंदर वो बना होता है। द डेवलपमेंट ऑफ जायगेट रिजल्ट ओनली इन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन, मतलब जो जायगेट बनता है वो उसका क्या होता है, सिर्फ उसकी मिनिएचर जो ह्यूमन पहले से प्रेजेंट था उसकी सिर्फ ग्रोथ होती है। तो इस थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं, प्री फॉर्मेशन थ्योरी बोलते हैं। हालांकि ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई थी क्योंकि इसका कोई भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं दिया गया था, उसका सबूत नहीं मिला था, इस पर ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। अब अपनी नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। किसने इसको प्रपोज की थी, एडवोकेटेड बाय वोल्फ, वोल्फ के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी 1738 से लेकर 1794 के बीच में, ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। इस थ्योरी का क्या, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, एग और स्पर्म होता है उसके अंदर कोई भी ऐसी मिनिएचर ह्यूमन लाइक कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये एक भ्रांति थी, उसने उन्होंने इस भ्रांति को तोड़ा, अभी कोई भी ऐसी मिनिएचर ह्यूमन लाइक कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। एग और स्पर्म होते हैं वो क्या, अनडिफ्रेंशिएटेड यानी कि अविभाजित, अविभाजित है, आप इनको सेल्स बोल सकते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं। द डिफ्रेंशिएशन इनटू वेरियस ऑर्गन और पार्ट्स टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द जायगोट, यानी कि जो अपने एग और स्पर्म है फर्टिलाइजेशन होता है, उनका जायगोट बनता है, उसके बाद में उनका डिफ्रेंशिएशन अलग अलग पार्ट में जैसे हाथ पैर है उनमें धीरे धीरे उसका होता है। इस थ्योरी का मतलब यही था, और इस दिस कंसेप्ट इज नाउन एज एपिजेनेसिस विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, और इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया था। अब अपने नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स, लेमार्क ने दी थी, इसे लेमार्कवाद भी बोलते हैं, 1744 से लेकर 1829 के बीच में इनका काल रहा था। ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे ये। इस थ्योरी का मतलब क्या होता है, अभी अपने कोई भी इंसान है वो जिंदगी भर में जो भी काम करता है, कोई भी काम करता है, वो उस करेक्टर्स को एक्वायर्ड यानी कि उनको प्राप्त करता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित मतलब कोई भी अपने आप जैसे धन कमाते हो तो उसी प्रकार क्या करेक्टर्स वगैरह होते हैं उसको कमाना यानी कि उसको उपार्जित करना। जैसे कोई पहलवान है वो पूरी उम्र भर पहलवानी करता है, उसके जो अपने मसल्स वगैरह बनते हैं तो उसने क्या किया, उस करेक्टर्स को उपार्जित किया है, फिर वही करेक्टर क्या होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में वो अपने अपने सन्स को या अपने संतति को भेजता है। इस मतलब इस थ्योरी का मतलब मेन यही मतलब था। दिस थ्योरी स्टेट द न्यू करेक्टर वंस एक्वायर्ड बाई एन इंडिविजुअल सेल्फ पास ऑन द इट्स प्रोजेनी, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसके द्वारा एक बार जो करेक्टर्स है वो एक्वायर्ड कर लिए गए हैं, प्राप्त कर लिए हैं, वो उसकी प्रोजनी में पहुंचते हैं। इट मीन्स इट मैन डेवलप ए स्ट्रॉन्ग मसल बाय एक्सरसाइज हिज चिल्ड्रन विल बी स्ट्रॉन्ग मसल, मतलब पहलवान का बेटा पहलवान होगा, यही इस धारणा का मतलब था। ऑन द अदर हैंड इफ ए पर्सन बिकम वीक ऑल हिज चिल्ड्रन वीक, अगर कोई इंसान कमजोर है तो उसका बेटा भी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कमजोर ही होगा। दिस थ्योरी वाज डिसप्रूव्ड यानी कि इस थ्योरी को नकार दिया गया था, किसके द्वारा नकार दिया गया था, वाइजमैन इन साइंटिस्ट के द्वारा नकार दिया गया था। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, कोई चूहा था उसकी 22 जनरेशन यानी कि उसकी 22 जनरेशन उसकी पूंछ को यानी कि टेल्स को काटता रहा वो,
लेकिन वो तब तक देखता रहा था जैसे संतति उसकी जन्मती थी तो वो भी टेल सही थी, उसकी पूंछ है उसके साथ ही, तो उसने इस थ्योरी को नकार दिया। मतलब कहने का मतलब ये है भी अगर आप इसको मतलब जन्मते ही उसकी पूंछ काट दे उसका मतलब था धीरे धीरे उस नेक्स्ट जनरेशन में बिना पूंछ वाले चूहों को जन्म होना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इस थ्योरी को नकार दिया गया। अगली थ्योरी थी थ्योरी ऑफ पेंजिन्स। किसने की? चार्ल्स डार्विन ने इस थ्योरी को प्रपोज की थी 1809 से लेकर 1882 में। इनका काल रहा इंग्लिश है, नेचुरलिस्ट थे। इस थ्योरी का मतलब क्या है? स्मॉल एग्जैक्ट बट इनविजिबल कॉपी, यानी कि अपने जो भी ऑर्गन्स होते हैं जैसे हाथ है तो इनकी स्मॉल बिल्कुल इन जैसी इनविजिबल जो दिखाई नहीं दे वो सी कॉपी अपने जो अपने सीरम होता है ब्लड सीरम बोल सकते हैं उसमें ब्लड स्ट्रीम में होती है। जैसे अपने कोई ऑर्गन है हाथ है, जैसे ये आपका हाथ हो गया, इसके अंदर बिल्कुल ऐसी सेम कॉपी छोटी सी होगी वो अपने ब्लड स्ट्रीम के द्वारा अपने कहाँ पहुँचेगी? सेक्स ऑर्गन्स में पहुँचेगी। दिस इनविजिबल कॉपी ऑर्गन कॉल्ड गैम्यूल्स। जिस प्रकार उसमें होम्यूनुकुलस बोला था जो छोटा इंसान की स्ट्रक्चर होती है, इसी प्रकार इसमें जो ऑर्गन्स की कॉपी होती है जैसे हाथ की कॉपी हो गई, अपने दिमाग की कॉपी, नाक मुंह की कॉपी, इस प्रकार हर अंग की क्या होती है एक छोटी छोटी कॉपी होती है हर अंग के अंदर, वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा अपने सेक्स ऑर्गन में पहुँचती है और उस प्रकार इंसान का डेवलप होता है। तो इसको क्या बोला उन्होंने, इन कॉपियों को गैम्यूल्स बोला। दीज इनविजिबल कॉपी यानी कि जो दाएं दिखाई देने वाली कॉपी है इनको गैम्यूल्स बोला। ये कॉपियाँ ट्रांसपोर्ट होती है किसके द्वारा? ब्लड स्ट्रीम के द्वारा और सेक्स ऑर्गन में पहुँचती है। दीज गैम्यूल्स आर असेंबल्ड इन द गैमेट। ये गैमेट जो बनते हैं अपने जैसे स्पर्म बन गया मेल में और एग बनता है फीमेल में, तो उन गैमेट में असेंबल्ड हो जाती है, उनमें मिल जाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दीज गैम्यूल्स मूव आउट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव ऑर्गन। जैसे ही अपने जायगोट बनता है उसके बाद में ये अपने अलग अलग पार्ट्स में पहुँच जाती है। पहले ये सारी कॉपियाँ मिल जाती है, फिर उसके अलग अलग पार्ट्स में धीरे धीरे पहुँच जाती है, जैसे हाथ की कॉपी हाथ में पहुँच जाती है और वहाँ पर उसको डेवलप करती है। तो ये थ्योरी इस प्रकार की थ्योरी थी, ए डिफेक्टिव गैम्यूल विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ए डिफेक्टिव ऑर्गन। मतलब कोई अगर आपकी गैम्यूल यानी कि जो इनविजिबल कॉपी थी अगर वो किसी से क्षतिग्रस्त है या कुछ तो वो अंग भी आपका क्षतिग्रस्त ही होगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। दिस थ्योरी वाज गिवन अप बिकॉज इट डिड नॉट हैव साइंटिफिक बेसिस। इन थ्योरियों का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था तो इन थ्योरियों को नकार दिया गया था। सिर्फ ये क्या थे, बड़े साइंटिस्ट थे तो उन्होंने अपने सिद्धांत दे दिए, थोड़े बहुत उसमें लोगों द्वारा मान ली गई थी। अगली थ्योरी है जर्म प्लाज्म थ्योरी। इस थ्योरी को किसने दिया? गस्ट वाइजमैन ने इसको प्रपोज किया था 1889 में, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। इस थ्योरी का क्या मतलब है? इस थ्योरी का मतलब है भी अपना जो बॉडी होती है वो जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म दो पार्ट में अपनी बॉडी डिवाइड होती है। सोमेटोप्लाज्म जो बाकी सब सिस्टम सोमेटोप्लाज्म होता है, लेकिन जो अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो जनन के काम आते हैं उनको अपने गैमेटोप्लाज्म बोलते हैं। वही अपने क्या होते हैं करेक्टर को ट्रांसफर करने में मेन रोल अदा करते हैं। अब देख इस थ्योरी देख, द जर्म प्लाज्म रेफर टू द रिप्रोडक्टिव टिश्यू और सेल्स विच प्रोड्यूस गैमेट्स। जर्म प्लाज्म मतलब है वो टिश्यू और सेल्स जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विकसित करते हो। सोमेटोप्लाज्म इंक्लूड ऑल अदर बॉडी टिश्यू विच आर नॉट रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जो जनन से संबंधित बाकी जितने भी पार्ट हैं वो उसको आपको सोमेटोप्लाज्म इसमें बोलते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन टेक्स थ्रू जर्म प्लाज्म। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जर्म प्लाज्म के थ्रू ही करेक्टरों का वंशानुगति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है। एनी चेंज इन जर्म प्लाज्म विल लीड टू चेंज इन द नेक्स्ट जनरेशन। अगर जर्म प्लाज्म में आपके थोड़ा बहुत भी चेंज होगा जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें भी वैसा ही चेंज है पाया जाएगा। दिस थ्योरी वाज एक्सेप्टेड इन ब्रॉड सेंस, मतलब बहुत विस्तार स्तर पर इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ये सारी थी प्री मेंडेलियन कंसेप्ट थी, हेरिडिटी जो होती है उस वंशानुगति किस प्रकार होती है। अब तो अपने जिस प्रकार जेनेटिक्स का जन्म हो उस अपने आपको आइडिया हो गया अभी किस प्रकार जीन डीएनए होता है, डीएनए ट्रांसलेशन करता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन वगैरह एंजाइम बनते हैं, उससे अपने स्पेसिफिक करेक्टर को डिसाइड करते हैं। ये चीज़ें अपने जेनेटिक्स के जन्म के बाद में अपने को पता लगी, लेकिन पहले ये थ्योरियाँ प्रचलित थी किस प्रकार ह्यूमन का जन्म होता है। अलग अलग बहुत से ऐसे वैसे काफ़ी थ्योरियाँ हैं, कोई मोइस्ट एयर वाली थ्योरी थी जिसमें कहते हैं एक वस्प होती शरीर में उसी प्रकार वो धीरे धीरे वहाँ पहुँचती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो अलग अलग सिद्धांत थे। तो ये मोस्ट पॉपुलर थ्योरियां थी जो आपको बता दी गई है। अब अपने देखते हैं पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट हेरिडिटी। मेंडल के बाद में हेरिडिटी में जो जिसके बारे में मेंडल अपने अवेयर नहीं था इन चीजों को अपने इसमें पढ़ेंगे। मतलब मेंडेलियन इनको डेविएशन बोलते हैं, विचलन। जो मेंडल था उसके रूल उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी नहीं पता था, को डोमिनेंस यानी कि सह प्रभाविता, इनकम्प्लीट मतलब अप्रभावित जो
अप्रभाविता होती है, कोई भी लक्षणता प्रभावी हो रहा है, प्रभावी माटा होता है। मल्टीपल एलील, कोई भी जीन की दो से ज़्यादा कॉपियाँ, लिंकेज टेंडेंसी ऑफ है ट्रांसफर ऑफ टू जीन टुगेदर। लिथल जीन, हानिकारक जीन हो गया, जीन इंट्रैक्शन अभिक्रियाएँ, प्लियोट्रोपिक जीन इफेक्ट हो गया, पॉलीजीन्स हो गया, इन्वायरमेंटल इफेक्ट था और साइटोप्लाज्मिक इन्फ्लुएंस। मेंडल इन सभी चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं था, उसको इन चीज़ों का पता नहीं था। उन्होंने जो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, लंबा और बोने पौधे वाला, तो उसको जो अपने रिजल्ट मिले थे पहली जनरेशन में, सभी पौधे लंबे थे यानी कि प्रभावी थे, प्रभावी जीन था ना जो टी, उसका प्रभाव देखने को मिला। लेकिन जो उसने नेक्स्ट जनरेशन में उसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया इन्हीं पौधों का, तो उसको 3:1 में जो रेशो मिला जिसमें 3 लंबे थे और 1 बोना पौधा मिला। उसने ये पैटर्न दिया। अब इसी पैटर्न के अंदर अपने करेक्टर्स क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। डबल हाइब्रिड क्रॉस बनाते तो 9-3-3-1 इस रेशो में अपने जो फिनोटिपिक अपने को एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो ये इन सभी चीज़ों में ये जो अपने होते हैं, जो अपने रेशो होता है, ये सभी रेशो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इसको मेंडेलियन डेविएशन बोल सकते हैं या पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी आप इनको बोल सकते हो। पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहाँ पर देखो कम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, जैसे ये अपने पिंक वॉयलेट कलर का फ्लोवर है, वाइट कलर का फ्लोवर है, तो इनका जब अपने क्रॉस करेंगे तो वॉयलेट कलर है, ये प्रभावी कलर है, इफेक्टिव कलर है, तो सारी जनरेशन क्या होगी, वॉयलेट होगी पहली, तो इसको आप प्रभावी बोल सकते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, इनका मीडिएट कलर आएगा बीज का, इसका भी प्रभाव दिखाई देगा, इसका हल्का प्रभाव कम दिखाई देगा, मतलब डोमिनेंस जो जीन है उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब है प्रभावी, वो अपनी पूरी डोमिनेंस नहीं उसमें दिखा पाएगा। ये आप देख सकते हो डायग्रामेटिकली इसको प्रेजेंट किया गया है नेक्स्ट जनरेशन में इस प्रकार, इसका 1:1 रेशो इसमें प्राप्त अपने को होता है। इसको ब्लेंडेड डोमिनेंस भी बोलते हैं इस प्रकार की डोमिनेंस को, और 1:1 अपने को इस कंप्लीट रेशो उसमें अपने को क्या रेशो, कंप्लीट डोमिनेंस में अपने 3:1 था, ये चेंज होकर 1:1 में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है को डोमिनेंस, सह प्रभाविता, यानी कि दोनों लक्षण अपने साथ में प्रभाव उसमें दिखाएंगे, को मतलब सह। अब जैसे ये व्हाइट कलर की आप ये देख रहे हो काउ, और ये इसमें रेड कलर, ये रेड कलर है वैसे इसमें ब्राउन दिखाया गया है, तो इन दोनों आपको इसमें करेक्टर दिखाई दे जाएंगे, मतलब दोनों ने अपना अपना प्रभाव इसमें दिखा दिया है। बोथ एलील ऑफ जीन एक्सप्रेस देयर फिनोटाइप इन हेटरोजाइगेट, मतलब जो हेटरोजाइगेट कंडीशन वो होती है, दो स्टेज होती है, होमो और हेटरोजाइगेट। होमो का मतलब है जैसे ये टीटी और टीटी, मतलब सेम कॉपीज, कोई भी एलील की सेम कॉपीज वो। अब जो हेटरोजाइगोट स्टेज होगी, जब इसकी एक कॉपी आ जाएगी और उसकी एक कॉपी हो जाएगी, ये हेटरोजाइगोट स्टेज हो गई। अब इसके अंदर वैसे मेंडल के अकॉर्डिंग तो जो प्रभाविता का उन्होंने नियम दिया था उसके अकॉर्डिंग तो ये जीन एक ही एक्सप्रेसिस में होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, को डोमिनेंस के दोनों जीन अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो इसको क्या बोल दिया, डुको डोमिनेंस। मेंडल को इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, उन्होंने इसमें अवेयर नहीं था इसके बारे में। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो ये दो है अपने, इसमें CYCY CBCB और ये इनका क्रॉस है, तो कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर ये जीन है तो अपना प्रभाव दिखा रहा है, को डोमिनेंस के अंदर दोनों जीन अपने प्रभाव दिखा रहे हैं, और इनकम्प्लीट के अंदर इंटरमीडिएट यानी कि दोनों से अलग ही कोई करेक्टर दिखाई दे रहा है। अगर ये जैसे रेड है वाइट है तो गुलाबी कलर पहुँच गया, मतलब दोनों का इंटरमीडिएट कोई कलर पहुँच रहा है, ना प्रभावी दिखा रहा है ना अप्रभावी जीन अपना पूरा इफेक्ट दिखा रहा है। अगली है टर्म मल्टीपल एलील्स। एलील का मतलब होता है कोई भी जीन होता है उसकी अल्टरनेटिव कॉपी, यानी कि कोई भी जीन है, जैसे जीन लंबापन है इंसान के अंदर या पौधों के अंदर लंबापन है, तो उसको ये जीन अपने कंट्रोल करता है टी, तो इसकी अल्टरनेटिव कॉपी क्या होगी, ये छोटा टी बोनापन की, तो ये इसकी क्या हो गए, दो एलील हो गए, इसको अपने एलील बोल सकते हैं, कोई जीन के दो एलील हो गए, तो अल्टरनेटिव कॉपी मतलब उस किसी जीन की क्या कहलाती है, एलील कहलाती है। जीन म्यूटेशन में प्रोड्यूस है मेनी डिफरेंट एलील ऑफ जीन, कोई भी म्यूटेशन इंसान का होता है तो वो डिफरेंट उसकी एलील्स की कॉपी प्रोड्यूस करता है और उसमें अंदर चेंज प्रोड्यूस करता है। असल अल्टर्ड अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन हुज नंबर इज मोर देन 2 आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स, जिस भी जीन की दो से अधिक जो भी कॉपियाँ हैं वो उसकी मल्टीपल एलील कहलाता है। जिस प्रकार ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप है तो उसको जीन कंट्रोल करता है, एक आई जीन होता है जिसकी 3 कॉपियाँ होती है, IA IB और आई, ये 3 इसकी कॉपियाँ पाई जाती है। जनरली 2 कॉपी होनी थी लेकिन 3 कॉपियाँ पाई जाती है, जो अलग अलग ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया और ओ ब्लड ग्रुप हो गया, ये 4 आपके करेक्टर शो करते हैं।
तो इस प्रकार ये मल्टीपल एलील हो गया, सेम लोकस ऑन द क्रोमोजोम, मल्टीपल एलील ऑलवेज ऑक्यूपाई सेम कोई भी क्रोमोजोम, लोकस का मतलब है कोई क्रोमोजोम होता है उसकी कोई फिक्स जगह को अपने लोकस बोलते हैं, तो ये मल्टीपल एलील सेम लोकस पर स्थित होते हैं और इस चीज़ को अपने अपने पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट के अंदर देख सकते हैं। जैसे ये एलील है अपने अपने खरगोश के अंदर, जो कलर फर कलर होता है जो उसकी बार की फर है उसको कंट्रोल करने वाला, इसमें सी, इसके सी एच एच और छोटा सी, ये अलग अलग फिनोटाइप है। एल्बिनो कलर होता है वो एक हिमालयन कलर हो गया, एक चिंचिला कलर हो गया, एक वाइल्ड टाइप कलर हो गया, इसमें ब्राउन हो गया, इसमें ब्लैक टिप वाइट फर हो गया, इसमें वाइट फर, मतलब ये अलग अलग करेक्टर्स है अपने शो करें। जिस प्रकार ह्यूमन में आपको बताया ना ब्लड ग्रुप होता है आई आई ए आई बी और आई, तीन प्रकार के एलील होते हैं, ये अलग अलग ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये दोनों जीन आ गए साथ में तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ये दोनों साथ में आ गए तो बी ब्लड ग्रुप हो गया, ये दोनों साथ में आ गए तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, और ये कल आ गया तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। इस प्रकार है ये मल्टीपल एलील अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं, जो अपने नेक्स्ट अपने कंप्लीट चैप्टर है इसका उसमें डिस्कस करेंगे। अगला है लिंकेज। लिंकेज क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन टू रिमेन टुगेदर इन द सेम क्रोमोजोम ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। इसको ढंग से देखना, टेंडेंसी होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति दो या दो से अधिक जीनों की एक साथ रहने की है इनहेरिटेंस, यानी कि सानुगति के टाइम एक साथ रहने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। आप इसको हिंदी में नोट कर लीजिए, दो या दो से अधिक जीनों की वंशानुगति के दौरान एक साथ रहने की जो प्रवृत्ति होती है उसको अपने लिंकेज बोलते हैं। मेंडल ऑलवेज ऑब्जर्व इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया था अपने नेक्स्ट चैप्टर में, मेंडल के रूल्स में पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट होता है लक्षणों का, इनका मतलब था जो भी करेक्टर्स होते हैं, जो भी जीन्स होते हैं, अपने मर्जी से अपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है उनका, अलग अलग होते हैं, लेकिन उसको लिंकेज का नहीं पता था। जैसे कोई जी अपने जीन है तो दो जीन साथ स्थित होते हैं तो ये शायद ही इनहेरिटेड हो जाएं, उसके अकॉर्डिंग तो इनका क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये सेपरेट होना था, लेकिन ये सेपरेट नहीं होते हैं, एक साथ रहते हैं, उसको अपने लिंकेज बोलते हैं। जैसे ये जीन है, जीन फर्स्ट और जीन सेकंड, ये लिंक्ड जीन है दोनों, ये अलग अलग पर है नॉट लिंक्ड बोल सकते हैं, और ये दूर दूर सेपरेट है, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है तो नॉट लिंक्ड बोल सकते हैं, क्योंकि इनके पास है स्पेस ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर आसानी से हो जाएगा और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अगला है लिथल जीन्स। लिथल जीन का मतलब है भी जब भी कोई भी जीन अपने जो डोमिनेंस रूप में आता है वो किसी जीव के लिए उसके लिए हानिकारक होता है। जैसे मेंडल ने अपने क्रॉस किया था, जैसे अपने टी टी प्राप्त हो रहा है और एक है टी टी प्राप्त, ये हो रहा है एक ये टी टी, वन टू वन जीनोटाइप के अकॉर्डिंग अपने इसको देखें तो ये रेशो अपने को प्राप्त हो रहा है वन टू वन, ये क्या है इसका जीनोटाइपिक रेशो है। लेकिन फिनोटाइप देखें तो ये दोनों, ये दो और ये तीनों प्लांट क्या होंगे? लंबे होंगे, तो इनको अपने 3:1 रेशो बोल सकते हैं फिनोटाइपिक के लिए, यानी कि अपने सामने देखने में ये तीनों लंबे दिखाई देंगे, जीनोटाइप ये हेट्रोजाइगेट कंडीशन में है, ये होमोजाइगेट कंडीशन में। लेकिन जो डोमिनेंस जीन की होमोजाइगेट कंडीशन होती है वो क्या होती है? इस रूल के अकॉर्डिंग लिथल होती है, यानी कि उसके लिए हानिकारक होती है, तो ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ये क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो अपने क्या रेशो, जो ये नॉर्मल जो 3:1 का रेशो था ये कन्वर्ट होके 2:1 में बदल जाएगा। मेंडेलियन डेविएशन का मतलब भी ये है कि जो मेंडल का जो सिद्धांत दिए थे उसका चेंजिंग होना, उसके रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलना, तो 2:1 रेशो इसमें प्राप्त होगा, यानी कि जो अपने डोमिनेंस जीन अपने होमोजाइगस स्टेज में जैसे पहुंचेंगे तो वो उसके लिए क्या होगा? हानिकारक होगा, उसके लिए लिथल होगा। अब यहाँ पर देख सकते हो माइस है येलो और ये इसके ये दोनों जीन हो गए। अब जिसने क्रॉस करवाया अपने, ये अपने F1 प्राप्त हुई, ये डोमिनेंस YY दोनों जैसे साथ में है तो चूहा क्या हो गया? डाइव, यानी कि मर गया, ये सर्वाइव कर गया, ये भी सर्वाइव कर गया और ये भी सर्वाइव कर गया। डोमिनेंस स्टेज प्रभावी जीन जब होमोजाइगस स्टेज में पहुंचते ही वो मर जाता है, मतलब इसको अपने लिथल जीन बोलते हैं। अगला है जीन इंट्रैक्शंस। जीन इंट्रैक्शन ऑकर व्हेन टू और मोर डिफरेंट लोकाई जीन लोकेशन अफेक्ट द आउटकम ऑफ ए सिंगल ट्रेट। कोई भी एक ही लक्षण है उसको डिफरेंट लोकाई पर जो जीन उपस्थित होते हैं अलग अलग, वो उसको दोनों मिलकर उसको प्रभावित करते हैं, उसको चेंज करते हैं, उसको डिफरेंट करते हैं, तो उसको अपने जीन इंट्रैक्शन बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जीन इंट्रैक्शन को अपने एपिस्टेटिस बोलते हैं, जिसको अपने अलग से चैप्टर है उसमें अपने डिस्कस करेंगे ढंग से। Epistatus describes situation when allele at one locus mask the phenotypic effect of different locus. भाई कोई भी एक जैसे ये क्रोमोजोम है, इसके इस लोकस पर कोई जीन उपस्थित है, ये दूसरे लोकस पर जो जीन उपस्थित है उसके करेक्टर्स यानी उसके फिनोटिपिक रिजल्ट को ये वहाँ से प्रभावित करेगा।
बैट्सन एंड पुनेट डिस्कवर्ड द फिनोमेनन ड्यूरिंग देयर स्वीट पी ब्रीडिंग, मतलब जो अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने इस चीज़ को अपने डिस्कवर की थी मेंडल के टाइम, इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं था। अगला है प्लियोट्रोपिक है जीन इफेक्ट। प्लियोट्रोपिक का मतलब होता है अभी कोई भी जीन, सिंगल जीन होता है वो जनरली वन करेक्टर्स को कंट्रोल करता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी जीन होता है वो एक से ज़्यादा करेक्टर्स को कंट्रोल करे। मेंडल ऑब्जर्व दैट वन जीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन करेक्टर। मेंडल के अकॉर्डिंग कोई भी जीन होता है वो एक ही करेक्टर को कंट्रोल करता था। लेटर ऑन केसेस वर ऑब्जर्व इन विच वन जीन वॉज फाउंड कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ टू और मोर ट्रेट्स। बाद में ये पाया गया कि कोई भी जीन था वो दो या दो से अधिक करेक्टर्स को कंट्रोल करता दिखाई दिया। तो इस प्रकार इसको प्लियोट्रोपी इफेक्ट बोलते हैं। अगला है पॉलीजीन्स। मेंडल ऑलवेज ऑब्जर्व दैट वन करेक्टर कंट्रोल बाय सिंगल जीन। कोई भी जैसे करेक्टर्स है, जैसे प्लांट को अपने ये प्लांट ले लिया, इसी प्लांट की हाइट है, प्लांट हाइट क्या है, सिंगल जीन के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता था, मेंडल की सोच ये थी। लेकिन लेटर नील्स ने ऑब्जर्व सम करेक्टर्स आर गवर्न बाई स्वर्ल जीन्स, मतलब कई करेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे जीन मिलकर उनका एडिटिव इफेक्ट होता है, यानी कि हर जीन, जैसे ये चार पांच जीन आपके कोई जीन हो गए पांच, इनका एडिटिव इफेक्ट होगा उसी करेक्टर को कंट्रोल करने में, सबका संयुक्त इफेक्ट होगा किसी करेक्टर को कंट्रोल करने में। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक वेरिएशन बोलते हैं, वेरिएशन इन पाए उसको पॉलीजेनिक वेरिएशन, मतलब पॉलीजीन्स का मतलब है बहुत ज़्यादा जीन है किसी करेक्टर को एडिटिव इफेक्ट डालते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। दिस कंसेप्ट लेड टू फाउंडेशन ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को उसने जन्म दिया। हालांकि ये मेंडेलियन पैटर्न फॉलो करती है, लेकिन इसको आप चेंजिंग में इसमें चेंज देखने को मिल सकता है, इसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी अपने कहते हैं कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस टाइप का वेरिएशन होता है, तो इस प्रकार इसमें ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, जो जो अपने क्वालिटेटिव करेक्टर्स होते हैं उनमें इतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट, मेंडलिस्ट के बारे में अवेयर नहीं था। जीन्स कैन इंटरेक्ट ओनली विद जीन्स बट विद द इन्वायरमेंट टू प्रोड्यूस फिनोटाइप। किसी भी जीव का फिनोटाइप का मतलब है जो उसका बाहरी लक्षण होते हैं, आप इसको लक्षण बोल सकते हो, मॉर्फोलॉजी आकार के लक्षण, आप इसको आकार के लक्षण बोल सकते हैं। ये किसका रिजल्ट होता है, किसका परिणाम है, जी का मतलब है जीनोटाइप, जो आपका जेनेटिक मेकअप है, जो आपका जीनोटाइप है वो बाहर के इन्वायरमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन करेगा, उसके साथ जो अभिक्रिया करेगा, उसका रिजल्ट आपका फिनोटाइप पर देखने को मिलेगा। जैसे पौधे होते हैं, पौधे को आप अलग अलग इन्वायरमेंट में लगाते हो तो उस पर उनका रिजल्ट सामने देखने को, उसका जीनोटाइप उससे सर्वाइव करता है इन्वायरमेंट से, किसी प्रकार लड़ता झगड़ता है तो उसका वो लक्षण है वो प्लांट पर शो करेगा, तो उसको फिनोटाइप पर इसका रिजल्ट मिलेगा। ये भी इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ये भी अपने जो अपने मेंडल का जो अपने रेशो प्राप्त होता है 3:1, उसको भी चेंज कर सकता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट। मेंडल इस चीज़ के बारे में पहले अवेयर नहीं था। द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट वॉज फर्स्ट रियलाइज बाई जॉनसन। जॉनसन ने इन्वायरमेंट जो इफेक्ट होता है उसको पहले रियलाइज किया, इसको महत्व दिया, और उन्होंने टर्म जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म भी जॉनसन के द्वारा ही दी गई थी, ये भी आप ध्यान रखना। अगला है अपना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मेंडल डिड नॉट ऑब्जर्व एनी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और रेसिप्रोकल क्रॉस। मेंडल था उसने अपने जैसे अपने ये कोई प्लांट है, जैसे इसने इसको मेल लिया, इसने इसको क्या लिया, मेल प्लांट लिया, और इसको इसने क्या लिया, फीमेल प्लांट है लिया, क्रॉस कराया, ये इसको रेसो प्राप्त हुआ, डोमिनेट जीन मेल सभी प्रभावित है। उसने इसका रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब इसको एज मेल प्लांट इसने और इसको एज ए फीमेल प्लांट, बदला नहीं, इनको चेंज नहीं किया, तो रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में मेंडल अवेयर नहीं था, उसको नहीं पता था भी रेसिप्रोकल क्रॉस कराने पर भी अपने को जो प्रोजनी आएगी नेक्स्ट वो उसमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। लेटर इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेसिप्रोकल क्रॉसेस विच लेड टू कंसेप्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जो एक्स्ट्रा इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, जो मतलब न्यूक्लियर जीन के द्वारा अलग उनसे अलग जो भी अपने इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं उसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। मैटरनल इनहेरिटेंस जनरली साइटोप्लाज्म अपने जब दो इंडिविजुअल में क्रॉस कराते हैं जो साइटोप्लाज्म है वो किसका पहुँचता है, ओनली मैटरनल साइटोप्लाज्म है वो पहुँचता है, जिसमें अपने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया या प्लास्टिड डीएनए हो गया उनसे इनहेरिटेंस होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक ट्रेट्स डू नॉट इनहेरिट फ्रॉम न्यूक्लियर जीन, मतलब न्यूक्लियर जीन से नहीं पहुंचते हैं, साइटोप्लाज्म से जो ट्रेट्स पहुंचते हैं उसको अपने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बोलते हैं।
साइटोप्लाज्म आप समझ गए हो, इनहेरिटेंस का मतलब वंशानुगति, साइटोप्लाज्म की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगति। अब जैसे यहां पर देख रहे हो पेल ग्रीन और डार्क ग्रीन, यहां पर जो जिस प्लांट को भी ये फीमेल ले रहा है वही करेक्टर यहां पर शो हो रहा है। जैसे यहां पर डार्क ग्रीन है तो यहां पर डार्क ग्रीन पहुंच गया, यहां पर पेल ग्रीन है तो यहां पर पेल ग्रीन पहुंच गया, यानी कि यहां पर जो फीमेल प्लांट है वही अपने करेक्टर से नेक्स्ट पीढ़ी में भेज रही है, तो इसको अपने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। यहां पर मेल का कोई रोल नहीं अदा हो रहा है इसमें, आप देख रहे हो यहां पर, तो इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ये थे आपने पोस्ट और प्री मेंडेलियन कंसेप्ट थी, इसको आपने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपने मेंडल्स और मेंडल्स के जो प्रिंसिपल्स थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।